Hello, my rising stars. This is Shikha Arora, your learning buddy, and today we are going to start with Brain Root series of Knowledge Universe class 5th. So let's get started. Children, let's begin with chapter 1, The Honest Game. Cheating is a form of dishonesty. तो आपको पता है कि हमें चीटिंग कभी नहीं करनी चाहिए। जो बच्चे सच्चे होते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो सच्चाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग ऑनेस्ट इज अ वेरी गुड हैबिट और ये हम सबको डेवलप करनी चाहिए। हमें कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि चीटिंग इज अ फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्टी। प्ले दिस गेम, जस्ट राइट एच फॉर ऑनेस्टी। आप ऑनेस्टी के लिए एच लिखेंगे एंड डी लिखेंगे फॉर डिसऑनेस्टी। Against the bubbles and learn your honesty level. तो आप इस पेज में आप खुद को टेस्ट कर सकते हो कि आप कितने ऑनेस्ट हो और कितने dishonest हो. Admitting to talking in class. अगर आप क्लास में बात कर रहे हो तो अगर आप अपनी गलती मानते हो कि yes, I was talking in between the class, तो फिर आप इसे आप कैसी हैबिट बताओगे? ये हुई हमारी honesty कि हमने admit कर लिया कि हम गलत काम कर रहे थे। तो यहाँ हो जाएगा ये H. Returning what you borrowed. अगर आपने किसी से कोई चीज़ borrow करी है तो it is your responsibility to return that. और अगर आप ऐसा करते हो तो आप honest हैं. Sneaking a biscuit from the plate when no one's looking. जब अगर आपने ऐसे काम किया है कि कोई नहीं देख रहा और आपने चुपके से बिस्किट उठा के खा लिया तो ये कैसी habit है? It's a bad habit. ये dishonesty में आएगी. Telling your mother you broke the window pane. अगर आपसे खिड़की का ग्लास टूट गया है और अगर आप अपनी मम्मी को एडमिट करते हो कि यस ये काम मुझसे हुआ है, देन यू आर ऑनेस्ट। सेइंग यू डिडंट हिट समवन व्हेन यू डिड इट। और अगर आपने ऐसा किया कि आपने किसी को से जाके फाइटिंग करी एंड देन यू से कि मैंने तो इसे मारा ही नहीं जबकि आपने उसको हिट किया है, सो दिस इज अ डिसऑनेस्ट मैनर। तो आप यहाँ पे लिखोगे डिसऑनेस्टी। गोइंग वेयर यू सेड यू आर गोइंग। अगर आप ऐसी जगह जाते हो जहां आप अपने मम्मी पापा को बता के जा रहे हो तो आप ऑनेस्ट है। स्टीलिंग टॉफी फ्रॉम अ शॉप, ये डिसऑनेस्टी है। हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। कीपिंग मनी यू फाउंड लाइंग ऑन द रोड। अगर आपको कभी भी रोड पे पड़े हुए पैसे मिले तो यू शुड नॉट कीप इट। ये डिसऑनेस्टी में आएगा। Telling your mother you got into trouble at school. अगर आपने स्कूल में किसी से झगड़ा कर लिया या लड़ाई हो गई आपकी और अगर आप घर आके मम्मी को बताते हो, सब कुछ ट्रू बताते हो, ट्रुथ बताते हो अपनी मम्मा को, then you are honest. Looking at someone else's test. हमें कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि चीटिंग इज अ फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्टी। सो दिस इज अ डिसऑनेस्टी वाला काम हो जाएगा ये। चीटिंग इन अ गेम, कभी भी गेम में चीटिंग नहीं करनी चाहिए। अगेन दिस इज डिसऑनेस्टी। आस्किंग बिफोर बोरोइंग, तो अगर हमें किसी से भी कोई चीज़ लेनी है तो सबसे पहले हमें उसकी परमिशन लेनी चाहिए उस चीज़ को लेने के लिए, तो हम ऑनेस्ट होंगे।